सोलन तहसील में कोरोना को हराने के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने शपथ ली है। कार्यकारी तहसीलदार रितिका जिंदल ने इस मौके पर सभी को शपथ दिलाई और उन्हें कोविड को कैसे हराया जा सकता है इसके आवश्यक टिप्स भी दिए। गौरतलब है कि सारा भारतवर्ष अनलॉक हो चुका है, लोग रोजगार के लिए अपने घरों से निकलने पर मजबूर हो चुके हैं, लगातार कोरोना संक्रमण भी बढ़ रहा है। ये संक्रमण ज्यादा ना फैले इसके लिए देश के सभी नागरिकों को जागरूक भी किया जा रहा है। इसकी शुरुआत सरकारी कार्यालयों से की जा रही है। अधिकारियों और कर्मचारियों को बताया जा रहा है कि ये बीमारी कितनी घातक है और कैसे इससे निपटा जा सकता है। अधिक जानकारी देते हुए कार्यकारी तहसीलदार आईएएस अधिकारी रितिका जिंदल ने बताया कि दशहरे बुराई पर अच्छाई की जीत है और कोरोना भी बुराई का ही प्रतीक है, इसलिए इस पर विजय पाने के लिए जिला के सभी पटवार सर्कलों में, तहसीलों में कर्मचारियों और अधिकारियों को शपथ दिलाई गई और कोरोना संक्रमण पर कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है और कैसे इसे कम किया जा सकता है इसके बारे में अवगत भी करवाया गया। उन्होंने बताया कि संक्रमण से बचने के लिए मास्क पहनना, हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिंग क्यों जरूरी है इस बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही ये शपथ भी दिलाई गई कि संक्रमण को किस तरह कम किया जाए और उसे नियंत्रित करने में सरकारी तंत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पॉजिटिविटी अपने आप में लेके आता है कि गुड या गुडनेस, अच्छाई की विक्ट्री ओवर द इविल, जैसा कि तो अभी जैसे कोविड है, इट्स लाइक अ डिजीज, इट्स लाइक अ महामारी, इट्स लाइक इविल फॉर अस। तो उसी के दौरान चलते हमने ये प्लेज ली है कि जैसे कि डीसी ऑफिस से ही डायरेक्शन आया था हमें सारे रेवेन्यू ऑफिसर्स में कि मास्क लगाने हैं, अपनी सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है एंड हैंड वॉश एटिकेट्स रखने हैं। सो दीज आर द थिंग्स, इसके रिगार्डिंग एक प्लेज ली गई है। तो ये प्लेज अभी हमने सभी पटवार खानों में, सब पटवारियों ने और हमारे तहसील ऑफिस स्टाफ ने ली है।